हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे रीजनिंग के लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन का हमारा टॉपिक रिमेनिंग था, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारी रीजनिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। बिकॉज डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन है उनके लिए लाइव सेशन हमने पहले लिया हुआ है, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप उसे देख लेना। तो फिलहाल टॉपिक रहेगा रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, जो आपका वर्बल क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग एंड होप्स कि आप सभी ठीक होंगे। तो जो भी हमारे साथ जुड़ सेक्शन में हमें बताते जाएंगे जी, हिमांशु जी एंड अनन्या जी, गुड मॉर्निंग, होप्स कि आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट टॉपिक रीजनिंग में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को समझेंगे यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हमने किस तरह से करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्लासिफिकेशन में आपने करना क्या होता है, किस तरह से आपने अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, अगर मैं क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्लियर करूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज को अलग करना। यानी कि आपके पास फोर ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई तीन एक जैसे होंगे और कोई एक जो है वो डिफरेंट होगा। तो आपको बताना है कि डिफरेंट कौन है, यानी कि जो डिफरेंट है वो आपको चूज करना है। तो क्लासिफिकेशन में सिंपली आपने जो डिफरेंट होता है, जो बाकियों के साथ रिलेशन नहीं बना रहा होता है, उसे आपने है। तो क्वेश्चंस को करना होगा जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 and 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आंसर आपके पास इन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग एंड आगरा। तो देखिए इनमें डिफरेंस कहाँ पे है, क्लासिफिकेशन क्या होगी। अगर हम शिमला की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें और ऊटी की बात करें, ये आपके हिल स्टेशन है, तो का आंसर आ जाएगा डी, बिकॉज हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग एंड ड्राइविंग एंड बोटिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या आप देखेंगे, स्विमिंग, डाइविंग और बोटिंग, ये सारे पानी में ही किए जाते हैं, पानी में किए जाने वाले काम है। तो फिर ड्राइविंग जो है वो डिफरेंट हो गया, बिकॉज ड्राइविंग पानी में नहीं करनी। स्नोबरी ऑर्गरी एंड सैबो, तो अगर कोई साउंड में प्रॉब्लम बताएंगे, और क्वेश्चंस भी क्लियर रहने चाहिए बिकॉज क्वेश्चन भी बिल्कुल ओके हैं। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे साउंड में प्रॉब्लम है या नहीं है। हाँ, स्क्रीन ब्लैक हो रही है, तो उसके लिए स्क्रीन को, अभी भी ब्लैक हो रही है स्क्रीन, यहां तो सब कुछ शो हो रहा है। चलिए हम करेंगे कि
नहीं आएगी। ये स्क्रीन ब्लैक क्यों हो रही होगी? हाँ, अब अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो बताएंगे मुझे, बिकॉज फिलहाल साउंड क्लियर आनी चाहिए और स्क्रीन भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब कंटिन्यू करते हैं बिकॉज फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमारे पास है ब्लैकमेल, स्मगलिंग, स्नॉबरी, फॉरगरी एंड सैबोटेज। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा हमारा स्नॉबरी। रीजन क्या रहेगा, देखिए ब्लैकमेल करते हैं किसी को, स्मगलिंग करते हैं, फॉरगरी का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं जालसाजी करना, यानी कि किसी के खिलाफ कोई जाल बनाना, यानी कि किसी को मेंटली किसी चीज में फंसा देना, जालसाजी करना। और सैबोटेज होता है तोड़फोड़ करना, तो तोड़फोड़ करना, जालसाजी करना, स्मगलिंग और ब्लैकमेल, ये सारे क्राइम है। लेकिन स्नॉबरी क्या होता है, स्नॉबरी होता है जिसको हम बोलते हैं रूड बिहेवियर, असभ्य जिसको हम बोलते हैं। तो असभ्य होना कोई क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे सी आपका आंसर होगा, बिकॉज सी बाकियों से डिफरेंट है और बाकी सारे जो है वो अलग है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है, आपके पास सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गैलोन, टोन, गैलोन, टन, क्विंटल एंड किलोग्राम। तो इनमें डिफरेंट कौन होगा, इनमें डिफरेंट क्या होगा, इनमें अगर हम देखें तो गैलोन डिफरेंट होगा, बिकॉज गैलोन जो है, गैलोन यूज होता है लिक्विड को मेजर करने के लिए, जबकि आपके बाकी सारे जो है टन, क्विंटल एंड किलोग्राम, ये आपके सॉलिड को मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, फोल, हैन, लैम्प एंड लेवरेट। ठीक है, फोल, हैन, लैम्प एंड लेवरेट। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, फोल किसको बोलते हैं, फोल कहते हैं जो गधे का बच्चा होता है, ठीक है। लैम्प किसको बोलते हैं, लैम्प कहते हैं जो भेड़ का बच्चा होता है, ठीक है, जिसको हम मेमना बोलते हैं। और लेवरेट क्या होता है, जिसको हम खरगोश का बच्चा बोलते हैं। लेकिन हैन क्या है, हैन मुर्गी का बच्चा नहीं होता है, हैन मुर्गी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बाकी सारे जो है वो किसी के बच्चे हैं, लेकिन हैन जो है वो किसी का बच्चा नहीं है, वो एक कंप्लीट जो हैन है उसको बोलते हैं। तो आंसर आएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, स्काई, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट एंड मून। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास स्काई, बिकॉज स्टार, प्लैनेट, कॉमेट एंड मून जो है, इनको हम, इनको कहीं ना कहीं हम टच कर सकते हैं, इन द सेंस कि इनका कोई सरफेस होगा, ठीक है। लेकिन स्काई जो है, जस्ट हमें यहां से दिखेगा कि ऊपर स्काई है, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि आपको कहां तक स्काई मिलेगी। तो स्काई जो है बाकी से डिफरेंट है, बाकी सारे स्टार हैं, प्लैनेट हैं, कॉमेट है, मून है, ये हैवली बॉडीज हैं, ठीक है, और हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। लेकिन स्काई जो है, स्काई तो जस्ट एक हम देख सकते हैं कि ऊपर स्काई है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं कि कहाँ है, कौन सा पार्ट है, स्काई का कोई सरफेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा और सामवेदा। तो अगर आपने वेद पढ़े हैं तो 4 वेद हैं हमारे पुराणों में, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आयुर्वेद तो जस्ट मेडिसिन से रिलेटेड है ना, तो आंसर क्या आएगा, डी, आयुर्वेदा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, रेक्टेंगल, बार एंड पाई। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार और पाई, ये आपके ग्राफ्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपका ग्राफ होता है जिसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो,
बार ग्राफ तो आपको पता ही है, पाई ग्राफ भी आपको पता ही है, पाई चार्ट बोलते हैं जिसको। तो इसमें डिफरेंट कौन हुआ? रेक्टेंगल डिफरेंट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में रेक्टेंगल डिफरेंट हुआ, तो आंसर आ जाएगा रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से 8 एंड 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज एंड टिन। तो ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज एंड टिन में डिफरेंट कौन है? अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। आपके पास होते हैं मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और फिर आपके पास अलॉयज आते हैं। तो अलॉयज होते हैं जो मिक्सचर होता है, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, जो बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा धातुएं होती हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन एलिमेंट क्या है? धातु, यानी कि जो सिंगल धातु होगी। तो टिन क्या है? टिन आपका सिंगल धातु है, सिंगल आपका एक एलिमेंट है। लेकिन ब्रास, स्टील एंड ब्रॉन्ज ये आपके मिश्र धातुएं हैं, अलॉयज हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में है हर्ड, फ्लाइड, हाउंड एंड स्वर्ण। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आना है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमारे पास गिवन है हर्ड। हर्ड किसको बोलते हैं हम? हर्ड बोलते हैं हम झुंड को, ठीक है। स्वर्म किसको बोलते हैं? स्वर्म भी बोलते हैं हम झुंड को। तो मतलब आंसर आना है बी और सी में। अब सी का क्या मतलब है? हॉर्ड का क्या मतलब होता है? हॉर्ड हम बोलते हैं शिकारी कुत्ते को, जो शिकारी कुत्ता है उसको हम बोलते हैं हॉर्ड। और फ्लाइट का मतलब एक तो होता है फ्लाइट, जो उड़ान भरना, और फ्लाइट का मतलब बौछार भी होता है। तो अगर हम बौछार इसका मीनिंग रखें, झुंड इसका मीनिंग रखें, झुंड डी का मीनिंग रखें, तो सी डिफरेंट हुआ, बिकॉज बाकी सभी में कुछ ग्रुप है और सी में सिर्फ एक है, शिकारी कुत्ता है। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में सी डिफरेंट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल एंड रबर ट्यूब। तो बहुत ही सिंपल सा है, होप्सो कि इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। आप सभी का आंसर प्लेट ही होगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी कि आपके पास बाकी सारे जो है वो एक सर्कल बना रहे हैं, लेकिन प्लेट जो है सर्कल इन द सेंस होलो सर्कल बना रहे हैं, यानी कि बीच से खाली होगा। जैसे रिंग है बीच से खाली, टायर है बीच से खाली होगा, बैंगल है बीच से खाली होगी, और रबर ट्यूब भी बीच से खाली होगी, लेकिन प्लेट जो है वो बीच से मटेरियल होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ह्यूज, टिनी, हैवी, स्मॉल एंड बिग। तो यहाँ पर बाकी सभी जो है अगर हम देखें, ह्यूज जो है वो हाइट के लिए कहा जाता है कि वो काफी ह्यूज है। टिनी भी हम हाइट के लिए बोलते हैं कि वो बहुत टिनी है। स्मॉल और बिग भी हम हाइट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हैवी किसके लिए यूज करते हैं? हैवी हम यूज करते हैं, हैवी हम यूज करेंगे जहां पे हमें रिप्रेजेंट करना है वेट को, ठीक है, कि वो बहुत हैवी है। तो हैवी का मतलब वेट होता है, बाकी सभी में हम हाइट की बात करेंगे। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास सिलिकॉन, प्लेटिनम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। इसमें डिफरेंट कौन है? बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका प्लेटिनम, बिकॉज सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी जो है ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये तीन जो है ये आपके सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर यानी कि जिसमें अगर थोड़ी सी इंप्योरिटी डाली जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? तो आपके पास आंसर आएगा प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ड्राइवर। तो यहाँ पे आंसर होगा ड्राइवर, बिकॉज कारपेंटर जो है वो स्पेशली डील करेगा वुड में, यानी कि वो फर्नीचर बनाएगा, उसका स्पेशल काम है फर्नीचर बनाना। गोल्डस्मिथ जो है, सुनार जो है, वो क्या करेगा? वो गहने ही बनाएगा। ब्लैकस्मिथ यानी कि जो लोहार है वो औजार बनाएगा। लेकिन ड्राइवर है उसका स्पेसिफिक नहीं है कि ड्राइवर क्या चलाएगा। ड्राइवर तो हम बोल देंगे जो गाड़ी चलाता है, अब गाड़ी में इन द सेंस कि वो कार चलाता है वो भी ड्राइवर है, और
इसमें स्पेशल रीजन क्या होगा, बाकी सभी में कुछ बनाने वाले हैं, ड्राइवर कार को बनाएगा नहीं, ड्राइवर कार को चलाएगा, ठीक है। तो ये मेन रीजन होगा ड्राइवर डिफरेंट होने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, मिस डीड, करप्शन, फेलर, ऑफेंस एंड विलेनी, ठीक है, विलेनी, फेलर, मिसडीड, करप्शन एंड ऑफेंस। तो इसमें आपका आंसर होगा फेलर, बिकॉज मिसडीड है, ठीक है, मिसडीड है आपके पास, करप्शन है और ऑफेंस है और विलेनी है, इन सभी में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, गलतियों की बात करते हैं, ठीक है। मिसडीड यानी कि गलती हो रही है, करप्शन कोई गलती की है, ऑफेंस यानी कि गलती हुई है फिर ही आप ऑफेंड हो, विलेनी है फिर भी आप गलती की ही बात कर रहे हो, लेकिन फेलियर का मतलब रिजल्ट हो गया, तो बाकी सभी में गलती हो रही है, ठीक है। और क्वेश्चन सी में, फेलियर में आपके पास रिजल्ट गिवन है, तो आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में हम राइट साइड वाले स्किप कर दीजिए, बिकॉज इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, रेन, शोर, स्लीट एंड रेसिन। तो देखिए, रेन, शोर, स्लीट एंड रेसिन में आपके पास डिफरेंट क्या होगा, तो ये जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हमारे पास अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, ध्यान से अगर हम समझें तो इनका जो है, इनका आपके पास क्या बनेगा, रेन हो गया, शोर हो गया, स्लीट हो गया, ये तो आपके वाटर से रिलेटेड है, लेकिन रेशन यानी कि किशमिश जो है, किशमिश क्या है, ये आपका खाने की चीज आ गई, तो आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, डी, बिकॉज ये बाकी सभी से डिफरेंट है, रेसिंस जो है। और नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, हमारे पास है चैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड लोकस्ट। तो इनमें डिफरेंट ढूंढना है कि डिफरेंट कौन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, देखिए चैमेलियन बोलते हैं हम जो गिरगिट होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल किसको बोलते हैं, मगरमच्छ को, एलिगेटर, एलिगेटर भी आपका मगर ही होता है जिसको हम बोलते हैं, घड़ियाल भी बोल देते हैं, मगर भी बोल देते हैं, और लोकस्ट क्या होता है जिसको हम बोलते हैं, जो वो क्या बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं भंडीरी या टीटी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, भंडीरी बोलते हैं। तो अगर हम देखें चैमेलियन, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, ये मगरमच्छ की तरह यानी कि ये आते हैं रेप्टाइल फैमिली में, ये तीनों जो हैं ये रेप्टाइल फैमिली में हैं, लेकिन आपका डी जो है, डी आपका लोकस्ट जो है वो रेप्टाइल फैमिली में नहीं आता है, ये उड़ता भी है, बाकी सारे जो है वो नहीं उड़ने वाले हैं, तो रेप्टाइल फैमिली में बाकी आएंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 में, लोकस जो है वो आपका डिफरेंट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में है ब्रास, गन मेटल, ब्रॉन्ज एंड जर्मेनियम। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें हमारे पास डिफरेंट क्या होगा, ब्रास, गन मेटल, ब्रॉन्ज एंड जर्मेनियम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपके पास डिफरेंट कौन होगा, जर्मेनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, जर्मेनियम आपका एलिमेंट है, जबकि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया, ये आपके अलॉयज आएंगे। क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा जर्मेनियम, तो जर्मेनियम यहाँ पे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है माउंटेन, वैली, ग्लेशियर, सी कोस्ट एंड रिज। तो इनमें डिफरेंट कौन होगा, ठीक है, इनमें डिफरेंट कौन होगा, तो ये देखते हैं। हमारे पास
माउंटेन वैली सी कोस्ट एंड रिज की अगर हम बात करें, ठीक है, माउंटेन वैली सी कोस्ट एंड रिज की अगर हम बात करें तो ये लैंड पर होते हैं, यानी कि इनमें जमीन होती है, ठीक है, मेनली जो है ये जमीन होती है। लेकिन ग्लेशियर जो है, आपका जो ग्लेशियर होता है वो आइस है, वो जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, वो आपका आइस है, वहां पे वाटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी, क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर आएगा। सी कोस्ट की, सी की बात नहीं हो रही है, सी कोस्ट की बात हो रही है, यानी कि किनारे की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरह से रिज की बात हो रही है, रिज भी आपका लैंड लैंड होता है। तो बाकी सारे जो हैं, बाकी सारे आपके पास लैंड हैं, लेकिन जो आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर आपका वाटर मटेरियल है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 का सी आएगा, फिर से सुन लीजिए, अगर डाउट आ रहा है। मेरे बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो माउंटेन है, वैली है, सी कोस्ट है, रिज है, ये आपके लैंड है ना, जमीन है मतलब, और ग्लेशियर आपका पानी से रिलेटेड है, ये डिफरेंस है इनमें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्राफ चार्ट मॉडल ड्राइंग एंड फिगर। तो इसमें डिफरेंट कौन है? मॉडल, मॉडल जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज ग्राफ चार्ट ड्राइंग एंड फिगर जो है वो हम मॉडल में ही यूज करते हैं। और सेकंड रीजन यहाँ पे क्या होगा? सेकंड रीजन यहाँ पे ये है कि ग्राफ चार्ट ड्राइंग और फिगर जो है वो पेज पे बनाए जाते हैं हमेशा, या फिर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी तरह से, लेकिन मॉडल जो है वो इनसे डिफरेंट है। मॉडल को रिप्रेजेंट ही हम इनकी मदद से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है माउंटेन हिल प्लेटू एंड प्लेन। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आएगा प्लेन, बिकॉज बाकी सभी में माउंटेन में भी एक हाइट होती है, हिल में भी एक हाइट होती है, प्लेटो में भी एक हाइट होती है। प्लेन तो आपका प्लेन होता है, मतलब सीधा जिसको हम बोलते हैं प्लेन जो है, तो उसमें आपका ये डिफरेंट है, तो प्लेन आएगा आंसर। और अनन्या जी, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, एक बार जो एनालॉगी की फाइल गिवन है वेबसाइट में, एनालॉगी की फाइल होगी, अगर नहीं होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। एनालॉगी के लगभग उसमें 92 पेजेस होंगे, उनमें से सिर्फ आपको पहले 10 पेज पढ़ने हैं, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जीके बेस हैं, तो वो जीके के ही अकॉर्डिंग आपके होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है पोलैंड, कोरिया, स्पेन एंड ग्रीस। तो इनमें डिफरेंट क्या है? देखिए, पोलैंड, स्पेन एंड ग्रीस ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, कोरिया आपकी एशियन कंट्री है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? 22 का बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? सेलो, गिटार, फ्लूट एंड वायलिन। तो सेलो, गिटार, फ्लूट एंड वायलिन में अगर हम बात करें तो आंसर क्या आएगा आपका? सी। ठीक है, सी आपका आंसर आएगा यहाँ पे, बिकॉज रीजन क्या होगा, जो आपका सेलो है, गिटार है और वायलिन है, इनमें इनमें आपके पास क्या होता है? स्ट्रिंग लगी होती है, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है ये। लेकिन फ्लूट जो है, फ्लूट में स्ट्रिंग नहीं होती है, ठीक है, वो तो जस्ट आपको एयर के थ्रू ही यूज करनी है, जिसको हम बांसुरी बोलते हैं, फ्लूट यानी कि बांसुरी, ठीक है। तो इसमें रिंग नहीं होती है, बाकी सभी में रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग होती है, सॉरी रिंग्स नहीं होती है, स्ट्रिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है राइवल, ओपोनेंट, फो एंड एली। तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम यूज हो रहे हैं। देखिए, राइवल शत्रु होता है, ओपोनेंट भी शत्रु ही होता है, फो भी शत्रु ही होता है, एली मित्र होता है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? डी हो जाएगा, एली, बिकॉज ये मित्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक। 25 है कॉलेरा, एड्स, कैंसर, हेल्थ एंड जॉन्डिस। यहाँ पे बाकी सारे डिजीज हैं, डी आपका डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको गिवन है हेल्थ, तो हेल्थ का तो बिल्कुल अलग हो गया,
बाकी सारे जो हैं वो डिजीज हैं, तो ये तो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है 26 में है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड फिजिक्स। तो इसमें डिफरेंट कौन है? इसमें डिफरेंट है फिजिक्स, बिकॉज बाकी सारे जो हैं वो ह्यूमन रिलेटेड आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए, आप ह्यूमंस को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ह्यूमंस इन द सेंस कि एक तरह से इसमें ह्यूमन की ही स्टडी की जाएगी, हिस्ट्री में भी ह्यूमन ही पढ़ेंगे, फिलोसफी में भी ह्यूमन ही पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स जो है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये आपका डिफरेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है ऑथर, नॉवेलिस्ट, पोएट एंड पब्लिशर। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन हो गया? डिफरेंट हो गया पब्लिशर, बिकॉज बाकी जो आपके हैं ऑथर है वो लिखेगा, नॉवेलिस्ट है वो नॉवेल लिखेगा, पोएट जो है वो पोएम लिखेगा, लेकिन पब्लिशर जो है वो पब्लिश करेगा। तो यहाँ पे पब्लिशर डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है 28। तो 28 क्या है? बार्टर, परचेज, सेल एंड बोरो। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है? देखिए, बार्टर का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज करना। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि मेरा फोन ले लीजिए, अपना दे दीजिए, एक दूसरे से फोन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बार्टर। परचेज आपको पता है खरीदना, सेल आपको पता है बेचना, और बोरो आपको पता है उधार लेना। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट क्या होगा आपके पास? अगर हम डिफरेंट की बात करें, डिफरेंट होगा अनन्या जी बोरो। यहाँ पे बोरो डिफरेंट होगा, बिकॉज बार्टर हो गया, इसमें नगद लेन देन हो रहा है, मतलब हमने कुछ दिया और कुछ ले भी लिया। परचेज में भी नगद ही हो रहा है, हमने कुछ पैसे दिए और कुछ खरीद लिया। सेल में भी यही हो रहा है, हमने कुछ सामान दिया और हमने वापस भी कुछ ले लिया। तो आंसर होगा आपका डी, बोरो, बिकॉज इसमें उधार की बात हो रही है, क्लियर है। तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29 में है स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस एंड इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन है? यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो आपका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा, बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पे? बाकी सारे जो है स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपके विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। स्कर्वी, रिकेट्स और नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस की वजह से होता है, तो ये वायरस जनरेटेड रोग है, इसलिए ये अलग होगा, ठीक है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं, तो हम इनको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं बीच बीच से जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बाकी जो हैं, जैसे 51 है, बीच बीच से जो क्वेश्चन जैसे जैसे अभी भी कई बार पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन के, वो कर लेते हैं। जैसे 51 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 18 डिफरेंट है, बिकॉज बाकी सारे स्क्वेयर हैं, 5 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, तो 18 आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो बाकी आपको नहीं करने हैं, मतलब स्क्वेयर होते हैं, क्यूब होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 में आपका 210 डिफरेंट होगा, बिकॉज बाकी सारे स्क्वेयर हैं, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम बात करते हैं एक्सपर्ट लेवल एक्सरसाइज की। एक्सपर्ट लेवल एक्सरसाइज में आ जाएंगे, यहां पे बात करते हैं कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है नीडल और पिक, गन और फायर, ऑगर और बोर, और चाइजल और कार्ब। तो देखिए यहां पे आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे डिफरेंट कौन है? डिफरेंट अगर हम समझें तो इसमें आपके पास नीडल और पिक जो है वो डिफरेंट होगा, बिकॉज नीडल, अगर गन फायर को देखें तो गन से फायर ही की जाती है, ऑगर से, जो ऑगर होता है उससे बोर निकाला जाता है, उसे बोर किया जाता है, तो मतलब गन से फायर करते हैं, ऑगर से बोर करते हैं, चाइजल से हम केव करते हैं, ठीक है, चाइजल का यूज करते हैं हम केव के लिए, लेकिन नीडल को हम
नेडल को क्या करते हैं, नेडल को हम, ये हमने उल्टा बता दिया, नेडल को प्रिक बता दिया यहाँ पे, मतलब निकाल रहे हैं, तो नेडल को निकालते नहीं है, नेडल को तो हम लगाते हैं, तो आंसर ए डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रिक करने की बात हुई है, इसको लगाने की बात नहीं हुई है, क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, नेडल और प्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास सेकेंड, लॉयन रोर स्नेक हिस बीज हम फ्रॉग ब्लीट और डॉग बार्क, तो यहाँ पे डी आपका गलत है, बिकॉज फ्रॉग जो है, फ्रॉग की जो आवाज होती है वो क्रॉक होती है, ठीक है, क्रॉक होती है यहाँ पे, बाकी जो लॉयन हुआ वो रोर ही करता है और स्नेक जो है वो हिस ही करता है, इसी तरह से है इनके, लेकिन जो आपका ये फ्रॉग है वो उसकी आवाज क्रॉक होती है, तो इसकी ब्लीट नहीं होगी, तो सेकंड का आएगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, डेथ डिजीज मिल्क बटर वाटर ऑक्सीजन ग्रेप वाइन, देखिए मिल्क से बटर बनाया जाता है, वाटर से ऑक्सीजन बनाई जाती है, ग्रेप से वाइन बनाई जाती है, लेकिन डेथ से डिजीज नहीं बनाई जाती है, ठीक है, डेथ से आपको बनाने की जरूरत नहीं है डिजीज को, कॉज हो सकता है कि डेथ से डिजीज कॉज हो जाए लेकिन बनाई नहीं जाएगी, तो ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, ऑयल लैंप वाटर टैप ऑक्सीजन लाइफ पावर मशीन, तो इसमें डिफरेंट कौन होगा, देखिए लैंप के लिए ऑयल की जरूरत है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, मशीन के लिए पावर की जरूरत है, लेकिन क्या टैप के लिए वाटर की जरूरत है, नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मतलब लैंप अगर चलाना है ना, लैंप अगर आपने ऑन करना है तो आपको ऑयल डालना ही पड़ेगा, लाइफ अगर आपने कंटिन्यू करनी है ऑक्सीजन डालनी ही पड़ेगी, मशीन को अगर आपने कंटिन्यू करना है काम करवाना है तो आपको पावर उसमें डालनी ही पड़ेगी, लेकिन टैप को तो आप ऐसे खाली चला लो वो तो तब भी चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास वाटर एंड टैप, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्कल अर्थ लाइन डॉट हेक्सागन एंगल स्क्वायर और लाइन, तो इसमें डिफरेंट कौन है, देखिए सर्कल में अर्क होती है बिल्कुल, और अर्क उसका एक बोल सकते हैं स्टार्टिंग फेज होता है, सर्कल किससे बनता है, अर्क से ही बनता है, लाइन किससे बनती है, डॉट्स के कॉम्बिनेशन से, लाइन स्क्वायर किससे बनता है, लाइन से, लेकिन हेक्सागन भी तो लाइन से बनता है ना, ये एंगल से थोड़ी बनता है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी, हेक्सागन और एंगल, बिकॉज हेक्सागन जो है वो भी लाइन से ही बनेगा, वो एंगल से नहीं बनेगा, अगर बाकी सभी की बात की जाए, उनसे कंपेयर किया जाए, और साथ साथ में ये क्वेश्चन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फ्लैग का फ्लैगशिप दिया है, कोर्ट का कोर्टशिप दिया है, वार का वारशिप दिया है, फ्रेंड का फ्रेंडशिप दिया है, तो देखेंगे इनमें डिफरेंट कौन है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें, हाँ वार और वारशिप अगर देखेंगे ये डिफरेंट है, बिकॉज फ्लैग का फ्लैगशिप ही बनेगा, कोर्ट का कोर्टशिप भी बनेगा, फ्रेंड का फ्रेंडशिप भी बनेगा, अब ये वार है, युद्ध है, यहाँ वॉरशिप है, डब्ल्यू ओ आर है, यहाँ डब्ल्यू ए आर है, यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर है, यहाँ पे तो वॉरशिप की बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं दुआ करना, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो गया ना, वार का तो वॉरशिप बनना था, डब्ल्यू ए आर बनना था, यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर है, डिफरेंट मीनिंग ही चेंज हो गया, तो क्या आंसर आएगा, सी, सी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ट्री का स्टेम फेस आई चेयर सोफा प्लांट फ्लावर, तो बिल्कुल यहाँ पे चेयर और सोफा होगा, बिकॉज ट्री में तना होता है, स्टेम होता है, फेस में आईज होती हैं, प्लांट में फ्लावर होते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे चेयर और सोफा जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, हाँ वर्शिप यानी कि पूजा करना, ठीक है, तो पूजा में ही हम दुआ करेंगे ना, तो मेरे को वही मायने में आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है लाइट हैवी क्राइम ब्लेम शॉर्ट लॉन्ग मैन वुमेन, तो आंसर आ जाएगा बी, बिकॉज ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्राइम का अपोजिट ब्लेम नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका क्राइम ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिंसिपल स्कूल सोल्जर बैरक आर्टिस्ट ट्रूप सिंगर कोरस,
तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है? देखिए, प्रिंसिपल स्कूल का हेड होता है, सोल्जर बैरक में जस्ट एक मेंबर होता है, आर्टिस्ट ट्रूप में जस्ट एक मेंबर होता है, और सिंगर चोरस में एक मेंबर ही होता है। तो आंसर आएगा ए, बिकॉज प्रिंसिपल स्कूल का हेड होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास ये प्रिंसिपल और स्कूल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6, 7, इन सभी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटिमोलॉजी इज टू वर्ड्स देन सेम रिलेशन, किसमें ऐसा रिलेशन नहीं होगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आइडेंटिफाई द पेयर विच डज नॉट एग्जिबिट द सेम रिलेशनशिप। तो हमें बताना है कि सेम रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पे है एटिमोलॉजी जो है वो आपका होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ माइंड्स ही होता है, सही है। एनाटॉमी में स्टडी ऑफ बॉडी ही होता है। आर्कियोलॉजी में स्टडी ऑफ एंटीक्स ही होता है आपके पास। लेकिन अगर हम बात करें फिलोसफी में लैंग्वेज की स्टडी नहीं होती है। ठीक है, तो डिफरेंट आपका हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे फिलोसफी में लैंग्वेज की स्टडी नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? सी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, वैसे एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फिलॉसफी जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस आपके पास नहीं होता है, तो ये आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और आर्टिस्ट ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? डी, बिकॉज टीम का हेड कैप्टन, गैंग का हेड बॉस, कैबिनेट का हेड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ट्रूप यानी कि जो मंडली होती है उसका हेड आर्टिस्ट नहीं होता, आर्टिस्ट उसका एक मेंबर होता है। तो आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हार्ड सॉफ्ट, पॉइंटेड ब्लंट, स्वीट सोर, लॉन्ग हाई, डे नाइट। तो यहां पे डिफरेंट कौन है? यहां पे भी अपोजिट यूज हो रहे हैं। हाँ, लॉन्ग का जो अपोजिट है वो स्मॉल होना था या टीनी होना था, यहाँ पे हाई गिवन है यानी कि ये सेम है। लॉन्ग होता है लंबा, हाई होता है ऊंचा, तो ये अपोजिट नहीं है, बाकी सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप ये वाले क्वेश्चन करेंगे 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आइस क्यूब कोल्ड, आयरन हार्ड, मार्बल स्मूथ और पर्स मनी। देखिए आइस क्यूब कोल्ड होता है, सही है। आयरन हार्ड होता है, सही होता है। मार्बल स्मूथ होता है, सही है। लेकिन क्या पर्स मनी होता है? पर्स में मनी होती है, पर्स तो मनी नहीं होता ना। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? पर्स मनी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पर्स मनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन, इंक पेन, डस्ट, वैक्यूम क्लीनर और पेन पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है, मतलब कार जो है वो पेट्रोल से चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से ही टेलीविजन चल रहा है। इसके बाद पेन जो है वो इंक से ही चलना है, पेपर जो है वो पेन से ही चलेगा क्योंकि पेपर पर पेन से ही काम करेंगे ना। लेकिन क्या वैक्यूम क्लीनर डस्ट से चलता है? नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो आंसर क्या होगा? डी यहां पे आंसर होगा, बिकॉज सेकंड के लिए फर्स्ट कंपलसरी है। कार चलानी है, पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, ठीक है। टेलीविजन चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। पेन चलाना है, इंक होनी चाहिए। पेपर पर कुछ काम करना है तो पेन तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या वैक्यूम क्लीनर का यूज करना है तो डस्ट होनी चाहिए।
आप वैक्यूम क्लीनर को बिना डस्ट के भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे खाली में लग जाओ, ठीक है, और वैक्यूम क्लीनर को यूज करने के लिए डस्ट नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, ये अनन्य जी का सही हो गया, तालियां। क्वेश्चन नंबर 10 है, डे नाइट अप डाउन अक्रॉस अलोंग स्मॉल लार्ज, तो आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, अक्रॉस एंड अलोंग, क्योंकि डे का अपोजिट नाइन, अप का अपोजिट डाउन, स्मॉल का अपोजिट लार्ज, लेकिन अक्रॉस का अपोजिट अलोंग नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा अक्रॉस एंड अलोंग। मिश्रा जी यूज तो कर सकते हैं ना बिना डस्ट के भी उसको, ऐसा लिखा थोड़ी है उसके ऊपर कि अगर डस्ट है तभी इसको यूज करें, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। तो इसको दिल कर गया यूज कर लिया हमने, चेक ही कर लिया हमने ऐसे ही कि चलता भी है, तो तब यूज किया, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे क्लासिफिकेशन के, एंड होप्स हो कि आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस जो है वो क्लियर होंगे एंड काफी अच्छे से क्लियर होंगे। क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे लेकिन कहीं कहीं पर आपकी जनरल नॉलेज भी यूज होगी, ठीक है, तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन का, और आज हम रीजनिंग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फिलहाल तो हमारे जो आवाज सुनने के लिए यूज कर लेंगे मिश्रा जी हम, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, किसी का कोई डाउट हो तो वो आपने कल शाम को पूछ लिया होगा, अभी तो आप कुछ पूछने वाले नहीं हो। हाँ बताइए मिश्रा, श्वेता जी क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री का लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा, आज शाम को क्लास नहीं होगी, और किसी ने कुछ पूछना, हाँ आज सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, तो मंडे को क्लास लेंगे। अब मंडे को भी मैं सुबह आऊंगा, तो सुबह तो आते मैंने ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो मंडे को इवनिंग से क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ शिबा जी इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी जो क्वेश्चंस है क्योंकि वो हमारे एफकेट में नहीं आते, तो जो एफकेट में नहीं आते हैं वो हम छोड़ देंगे। इंग्लिश के लेक्चर देखते हैं, हाँ मंडे को शाम को, वैसे मेरा फिलहाल प्लान ये था कि मैं इवनिंग वाली क्लास बंद करूं और मॉर्निंग वाली में ही सिलेबस को कंटिन्यू करूं, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक तक मैं दोनों टाइमिंग पे क्लास लूंगा, बिकॉज मुझे सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट वीक में ही कवर हो जाएगा, बिकॉज इंग्लिश के लिए 6 to 6 days आपके इनफ हैं, जो बचा हुआ है, क्योंकि एक दिन में हमने कॉम्प्रिहेंशन करनी है, एक दिन में हमने क्लॉज टेस्ट करना है, फिर हम करेंगे एक दिन में इडियम्स एंड फ्रेजेस, और देन हमारे कुछ रहेंगे स्पेलिंग मिस्टेक, और इसी तरह से कुछ कुछ आपके सिनोनिम एंटोनिम करेंगे। तो फिर हम एक टाइमिंग पे हम करेंगे जीके को, तो जीके को हम इवनिंग में कर लेंगे जैसे आप बोल रहे हैं, तो जीके भी हमें उसी हफ्ते में कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए अच्छा, थैंक यू श्वेता जी, फिर नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लीजिए। अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते मिश्रा जी, जय हिंद अनन्य जी। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन वैसे एफकेट में इतने आते नहीं है, बट देख लेंगे। चलिए तो फिलहाल जो है आज के सेशन में इतना ही काफी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मंडे को मिलते हैं इवनिंग क्लास के साथ, ठीक है। तो फिलहाल जो है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू एंड जय हिंद।